बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैमिली कुकिंग सीक्रेट। आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड मैकडोनल्ड फ्राइज। सबसे पहले मैंने 3 पोटैटो लिया, उनको इस शेप में काट लिया है। अब मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी। अच्छे से इसका पानी निकाल लेंगे। अब हमने एक बाउल में पानी डाल लिया है, उसमें हम 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी में। देन हम इसमें फ्राइज डाल देंगे। अब हम इसको 20 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख देंगे। ओके जी, अब इसको 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें आयल डालेंगे। और इसको थोड़ी देर के लिए गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, तब तक हम आलुओं को निकाल लेंगे और इसको अच्छी तरह इसका पानी जो है ड्राई करेंगे। टॉवल या कोई भी साफ कपड़ा आप ले सकते हैं इसके ड्राई करने के लिए। तो अच्छी तरह से ड्राई कर लेना, बिल्कुल पानी ना रहे। ओके जी, ये देखिए ऑलमोस्ट हमारे जो है ड्राई हो चुके हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें फ्राइज डालेंगे। बिस्मिल्लाह। अब हम इसको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। ये तकरीबन फ्राई हो रही हैं, तो हमारी फ्राइज तकरीबन बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। ओके जी, हमारी होममेड मैकडोनल्ड फ्राइज बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।